सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक सीरीज से। जो भी काइनेमैटिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप एयरमैन के एक्स और वाई कार्डर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन नेवी के SSR या AA की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं नाविक की GD की, या चाहे आप आर्मी के एसकीटे यानी स्टोर कीपर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ क्लरिकल एंट्रीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में जहाँ पर भी फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है, चाहे SSC GD में आपके फिजिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो 10th लेवल के होते हैं, बट हम जनरली 12th लेवल के फिजिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि काइनेमैटिक्स रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है, काइनेमैटिक्स रिलेटेड अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इधर कवर हो जाएंगे। आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से रिहर्स करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बार बार सेम टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलें और आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर दें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जॉब इंडेक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन जो निकल रही है या निकलने वाली है उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने से आपको पता चल जाएगा कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो किस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो टेलीग्राम का ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। काइनेमैटिक्स टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उसकी अभी हम सबसे पहले रिहर्स करेंगे। तो काइनेमैटिक टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हम चुनिंदा सिलेक्ट करके लाए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर, इट्स एवरेज स्पीड। यानी आपको इधर एवरेज स्पीड निकालनी है। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, मैं आपको सोल्यूशन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस ना करें पूरा जो मैं बता दूं वैसे करें, वैसे नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मैं आपको हिंट दूंगा हर क्वेश्चन में कैसे करना है। देखो, अ ट्रेन, जो ट्रेन चल रही है, इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, और अगले आधे घंटे में उसकी स्पीड है हाफ एन आवर, अगले आधे घंटे यानी हाफ आवर में कितनी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर में। यानी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या होता है किसी भी चीज़ का, एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड अगर आप किसी चीज़ की निकालोगे तो वह होता है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है और टोटल उसमें टाइम कितना लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, पहले घंटे में आपका 60 किलोमीटर कवर हो रहा है प्लस, एक सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, पहले घंटे में आपका 60 कवर हो रहा है प्लस दूसरे घंटे में आपका 40 किलोमीटर कवर हो रहा है लेकिन वो हाफ आवर में है, तो आधे घंटे में आपका कितना कवर हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर है तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, पहला हमने एक घंटा माना है और दूसरा हमने आधा घंटा माना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा 1/2 क्यों है, क्योंकि हम नेक्स्ट हाफ एन आवर में निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आपको सिंपल एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज स्पीड का यह फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कार एट रेस्ट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना। यानी कार रेस्ट पे है और वो यूनिफॉर्मली स्पीड पे जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर की 20 सेकेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड के जो लॉज ऑफ मोशन है, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो पता होने चाहिए। 3 है हमारे, v = u + at एक होता है। अब यहाँ पर हमारे पास रेस्ट है तो u 0 हो जाएगा। हमारे पास v पता है कि कितनी स्पीड से जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम पता है तो हम इसे एक्सिलरेशन निकाल लेंगे। एक्सिलरेशन हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें एक्सिलरेशन पता चल जाएगा। एक्सिलरेशन क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है।
डी डिस्टेंस यानी एस, एस या डी कहाँ पे भी डिनोमिनेशन होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर ये होता है एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। अब हमारे पास अगर एक्सिलरेशन आ गया और यू तो हमारा जीरो है क्योंकि कार रेस्ट से शुरू हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है हमारी, तो यू अगर जीरो है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू हम जो एक्सिलरेशन निकाला है उसको यहाँ पर रखेंगे और ए टी स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाए। तो आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हो आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात आंसर में ज़रूर ध्यान देना कि आंसर आपका मीटर में आ रहा है, जो डिस्टेंस आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, लेकिन जो डेटा आपको दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो स्पीड को पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इन चारों में से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, देखना क्या सोल्यूशन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी हमारे पास मैक्सिमम रेंज और स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट का रेशियो निकालना है। कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर आपको कुछ फेंकना है किसी एंगल के साथ फेंकना है तो वह होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब वो एंगल आपका 45 डिग्री होगा यानी जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट कुछ फेंक रहे हैं तो अगर वो आपका 45 डिग्री का एंगल होगा तब वह चीज़ मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगी। याद रखना अगर आप 45 से ऊपर फेंकोगे थोड़ा सा तो या नीचे फेंकोगे तो वो मैक्सिमम अपने डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगी। ऊपर फेंकोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, जब नीचे फेंकोगे तो ज़्यादा एलिवेशन ना मिलने के कारण भी पहले गिर जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी मैक्सिमम रेंज बताई जाए या पूछी जाए तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन में जो थीटा होता है वह 45 डिग्री होता है। अब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पता होगा तो आई कैन बिलीव आपको बेसिक्स पता हैं, आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू थीटा आपका 90 हो जाएगा क्योंकि थीटा 45 है मैक्सिमम रेंज में, और यू स्क्वायर आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू होती है जो आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी। आर का फॉर्मूला पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाई जी। थीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होगी, r की इक्वेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया आपका रेंज साइन 2 थीटा बाई जी। इन दोनों का रेशियो निकालना है, द रेशियो बिटवीन दिस, तो r बाई टी करना है आपको। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने यहाँ पर r बाई टी नहीं पूछा, इन्होंने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट पूछा है। अगर आप देखोगे तो स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट पूछा है, यानी आपको जो आंसर निकालना है वो आर बाय टी स्क्वायर निकालना है। ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपका आंसर आ जाए इन तीनों चारों ऑप्शंस में से देखना क्या आपका आंसर है, उसको देख के आपको यह सॉल्व कर देना। तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखेंगे द एक्सीलरेशन ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड एज इट गोज राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 160 मीटर। एक ट्रेन की एक्सेलरेशन पूछी गई है जिसकी स्पीड इन्होंने बताई हुई है और ये बताया है कि वो एक कर्व में जा रही है जिसकी रेडियस 160 मीटर है, यानी ट्रेन ऐसी है जाते जाते वो एक कर्व में जा रही है जिसकी रेडियस 160 मीटर है, रेडियस 160 मीटर है, तो एक्सेलरेशन पूछा है। तो अब कॉमन सी बात है, कर्व अगर आ गया है तो जो एक्सेलरेशन वो यहाँ पर पूछ रहे हैं वो नॉर्मल एक्सेलरेशन की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी जो सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करती है वह उस पर एक सर्कुलर मोशन पे जो एक्सेलरेशन लगता है वह रेडियस की तरफ लगता है। कोई भी बॉडी एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे मूव कर रहा है तो रेडियस के पे उसको सेंटर की तरफ जो सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेशन लगेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। यानी
अगर ये ट्रेन यहाँ पर मूव कर रही है तो अलोंग द रेडियस, यहाँ ऐसे रेडियस ऐसे जा रही है, तो ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो टूवर्ड्स द सेंटर इसको जो एक्सेलरेशन लगेगा वह सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी जो आपकी वेलोसिटी होती है डिवाइड बाय आर। तो आपके पास यहाँ पर स्पीड दी गई हुई है, रेडियस आपको पता हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो आई होप यह आपको इजीली आ जाएगा। एक और रिलेशन याद रखना, जब भी आप सर्कुलर मोशन को ध्यान रखते हो, जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आता है, तो आप वी इज इक्वल टू आर ओमेगा को ध्यान रखना। ये भी अक्सर यूज़ होता है, ओमेगा इज़ अवर एंगुलर वेलोसिटी, या आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है और आर इज इक्वल टू आपका रेडियस होता है। जनरली वेक्टर फॉर्मेशन में इसको वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर देख लिखते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यह आपकी रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की। फिर बाकी और भी रिलेशन होती हैं, वो आपको अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के रिलेटिव, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है यह भी डी फाई बाई डी टी होती है। कितने टाइम में आपका कितना एंगल चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डी फाई बाई डी टी होती है। तो यह सारी चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 98 मीटर, 98 मीटर से एक बॉडी गिर रही है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, लास्ट सेकंड में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सिंपल सी बात है, एक हाइट से बॉडी फॉल कर रही है तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसमें एक और चीज़ बता दी इन्होंने, हाइट बता दी कितने हाइट से फ्लो कर रही है। तो हमने अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करा था, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उधर डिस्कस करा था, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि चीज़ ऊपर से आ जाएगी तो ये जी टी हो जाएगा। यानी कोई भी बॉडी फ्री फॉल पे ऊपर से गिर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा वह जी टी होगा। तो इस फॉर्मूले का पूरा यूज़ है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि बॉडी फ्री फॉल ऊपर से गिर रही है, हाइट है हमारे पास 98 मीटर, ये हो गया ज़ीरो, और यहाँ पर आपका जी टी स्क्वायर आपके पास गिवन है। बट अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यह है कि इन्होंने बताया है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फाइंड आउट करना है इन द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। तो लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप जो यह पूरा डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को माइनस किससे कर दोगे, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है लास्ट में। लास्ट में कितना डिस्टेंस कर रहा होगा, यू टी माइनस वन, यानी टी माइनस वन प्लस हाफ जी टी माइनस वन स्क्वायर। टी माइनस वन क्या है, टी माइनस वन तक उसने, यानी अगर कोई बॉडी ऊपर से फॉल कर रही है टी सेकेंड्स में, अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है कुछ टी सेकेंड्स में, वो नीचे आ जाती है, तो लास्ट सेकेंड में यानी टी माइनस वन सेकेंड तक उसको कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होगा वह हमने माइनस कर दिया। सिंपली अगर आपको अगर फॉर्मूलेज और अच्छे से पता होंगे तो आप इसको और अच्छे से हैंडल कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूले का काइनेमैटिक्स में बहुत रोल है। अगर मैं सिंपल आपको फॉर्मूला बताऊं कि लास्ट सेकंड का कभी भी निकालना है किसी भी बॉडी का जो ऊपर से फॉल कर रही है, तो जो डिस्टेंस होता है लास्ट सेकेंड में वह यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन होता है, 2t-1 यह फॉर्मूला होता है आपका लास्ट सेकंड ऑफ मोशन किसी भी बॉडी का निकालने के लिए। बट आप ऐसे फॉर्मूले पे डिपेंड मत हो, अगर आपको नहीं पता तो आप आज सॉल्व कर लीजिए, एक बार आप सॉल्व कर लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो आप इसका आंसर निकाल लो ताकि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करना है। हर वीडियो के हर क्वेश्चन को आप पॉज करो, रोको, उसका आंसर निकालो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो ताकि आप उसके बाद सीख जाओगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम है व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ये अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, कुछ ही क्वेश्चन में आया था कि रेंज कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम तब होगी जब जो थीटा है वह 45 डिग्री होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. अब आप ये ग्राफ देखिए, सारे ए बी सी डी चार ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें से आपका यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है. यूनिफॉर्म मोशन कोई चीज़ तभी होती है, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में तब होती है जब जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जब भी आप ग्राफ में देखेंगे तो जो एक्स साइड है और जो वाई साइड है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वह एक वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यानी एक लीनियर रिलेशनशिप में हो. एम की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. जब भी एक लीनियर में हो वैल्यू, तब आपकी चीज़ एक यूनिफॉर्म मोशन में रहती है. अगर अब यहाँ पर एस और टी का ग्राफ है, यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है एस और टी का, आप अगर डी को देखोगे तो इसका टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ से ग्राफ में, लेकिन डिस्टेंस जो यहाँ पर अगर 5 है 6 है जो स्केल में, यहाँ पर डिस्टेंस सेम ही है, यानी डिस्टेंस टाइम के साथ नहीं बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है. अगर आप सी को देखोगे तो यहाँ पर पहले टाइम के साथ डिस्टेंस, जैसे टाइम बढ़ा डिस्टेंस भी बढ़ा, लेकिन फिर जैसे टाइम बढ़ता गया डिस्टेंस कम होता गया, यानी यूनिफॉर्म नहीं है. पहले का एक्सीलरेट हुआ, फिर कम हो गया डिस्टेंस, पीछे को आ गया, रिवर्स डायरेक्शन में आ गया. अगर आप बी को चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपका कुछ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम आपका एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस कभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, तो यह फिक्स पैटर्न नहीं है, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. लेकिन अगर आप ए को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विद टाइम डिस्टेंस भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे यूनिफॉर्म मोशन में. तो आपका जो इसका आंसर, इसका भी सिंपल है बड़ा, आपका इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रेन ट्रैक, यानी एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक में ट्रेन जा रही है. सपोज यह ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, और उसके ट्रेन के विंडो से, यहाँ पे विंडो है, अ स्टोन इज रिलीज, यहाँ से एक स्टोन रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम द विंडो, नीचे को विंडो से फेंक दिया गया है. द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, अब स्टोन ज़मीन पे तो गिरी जाएगा, लेकिन क्या वो स्ट्रेट पाथ में गिरेगा, सीधे नहीं गिरेगा, क्योंकि ट्रेन इधर को जा रही है. तो वो ट्रेन जो वह स्टोन होगा वह भी मोमेंटम के साथ थोड़ा सा इधर को जाके ऐसे गिरेगा. कभी भी कोई चीज़ आप फेंकते हो तब आपने देखा होगा कि थोड़ा सा इधर को जाके गिरेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कि वह अगर हवा इधर से ज़्यादा हवा आ रही है, ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो या तो पीछे को जाके थोड़ा सा गिरेगा अगर उसको धीरे से रिलीज़ कर दोगे. अगर आप थोड़ा सा ज़ोर लगा के फेंकोगे आगे की तरफ तो वह इधर को जाके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हवा उसको नीचे को फेंक देगी. लेकिन अगर आप बस छोड़ दोगे, रिलीज़ कर दोगे, तो वह पीछे को जाके नीचे की तरफ गिर जाएगा. कोई भी चीज़ आप ट्रेन में चलते फेंकते होगे तो आपने कभी नोटिस करा होगा ये चीज. तो अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ऑप्शन क्या होगा, तो यह ऑप्शन आपका, वेट, हाँ, तो अगर अब मैं इधर आपका देखूं, स्ट्रेट पाथ में तो नहीं जाएगा, सर्कुलर पाथ गोल तो होगा नहीं, नीचे से जाके पूरा ऐसे भी नहीं जाएगा, हाइपरबोलिक नहीं, पैराबोला है कि अगर आपकी ट्रेन जा रही है, आपने कुछ फेंका, तो वो ऐसे जाके नीचे को चले जाएगा, एक पैराबोलिक पाथ बना देगा, यानी आधा आपका पैराबोलिक कर्व टाइप का इसमें आ सकता है. तो आपका यह ऑप्शन सी हो जाएगा इधर इस केस में. यह भी सिंपल था, तो इधर ऐसे ही आपको बता दिया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मैन गोज़ 10 meters टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है 10 meters एंड 20 meters टूवर्ड्स ईस्ट, यानी 10 meters नॉर्थ गया है मैन एंड देन 20 meters ईस्ट गया है. ईस्ट आपका इधर को होता है, नॉर्थ आपका ऊपर को होता है, तो 20 meters ईस्ट गया है. तो द डिस्प्लेसमेंट इज, यानी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, जो ए है, ए से बी जो फाइनल पोजीशन है बी, इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट पूछी है. तो हमेशा आपने जब भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यह फ़र्क होता है. डिस्टेंस इज़ टोटल रूट, यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे गया, उसको कैलकुलेट करना इज़ डिस्टेंस, यानी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्प्लेसमेंट इज़ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पोजीशन, यानी ए से अगर वह स्टार्ट करके ऊपर गया फिर बी पे पहुंचा, तो बी पे पहुंचने के बाद ए से बीच, बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वह होती है डिस्प्लेसमेंट. इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. तो अब इस केस में भी आप देखोगे कि ऐसे 20 है, ऐसे 10 है और ऐसे 20 है. तो 10 और 20 के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, तो ये एक आपका
राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको निकालने के लिए आपको इसका हाइपोटेन्यूस निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूस कैसे निकालना है, स्क्वायर ऑफ दिस का करोगे, स्क्वायर ऑफ दिस का करोगे, अंडर रूट करोगे, आपका हाइपोटेन्यूस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद स्पीड इतना एज इट गोज राउंड अ कर्व ऑफ 9 मीटर। 9 मीटर के कर्व से एक एक्सेलरेशन बतानी है किसी ट्रेन की जो इस स्पीड से चल रही है। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, उसमें डालोगे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट इज 9 times द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी, यानी प्लैनेट ए में एक्सेलरेशन जो है वो 9 times है बी के। अ मैन जंप्स टू अ हाइट ऑफ 2 meter ऑन द सर्फेस ऑफ ए, वॉट इज द हाइट जंप बाय द सेम पर्सन ऑन प्लैनेट बी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लियर बता रखा है कि एक्सेलरेशन जो एक प्लैनेट में है वह 9 times है एक्सेलरेशन दूसरे प्लैनेट पे, और जो हाइट से आदमी जंप कर रहा है, हाइट इज इक्वल टू आपको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as का फॉर्मूला पता है, ah वाला हाइट वाला जो फॉर्मूला है पता है, तो आप उससे कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू, जैसे आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 gs या gh जो भी कहते हैं, ये होता है फॉर्मूला आपका, s का हो या h का हो, अब हाइट के केस में। अब आपका इसमें जब मैन जंप कर दे रहा है, हाइट आपकी हो जाएगी 2 meter की हाइट पे जंप कर दे रहा है पूरा, तब यानी उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो v को हम 0 मान सकते हैं, और ग्रेविटी क्योंकि आप अब अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर को जंप करोगे, तो जनरल कन्वेंशन हमारा क्या होता है कि जी अगर ऊपर को जंप कर रहे हो तो नेगेटिव होता है, और जी अगर डाउनवर्ड मोशन में है तो पॉजिटिव होता है। तो ये सारे कन्वेंशन भी आपको पता होंगे, उसी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कराए और लाए हूँ आपके साथ। तो जो फॉर्मूला फाइनली आपके पास आ जाएगा, अगर वी स्क्वायर भी 0 है और कन्वेंशन 0 है, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा, जो डिस्टेंस है वो यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। अब इसमें आप डाल दो कि अगर एक प्लैनेट की जो ग्रेविटी है वो 9 times से, इसको सॉल्व करके आप आराम से निकाल लोगे कि उसने कितनी हाइट जंप करी है दूसरे प्लैनेट में। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आपको इसमें हाइट निकाल, इस यहाँ पर 2 meter की हाइट जंप कर रखी है और ग्रेविटी 9 times उसकी है, यानी 1/9 times है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। फिर सेम वेलोसिटी से अगर दूसरी जगह पर निकलेगा तो आप आराम से ये कैलकुलेट कर लोगे कि कितनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी गिव्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना जब भी हम वेलोसिटी टाइम कर्व को देखते हैं, तो अगर आपका टाइम इस स्केल में है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो चाहे मूवमेंट पहले ऊपर को हो, वेलोसिटी बड़ी हो, फिर वेलोसिटी रिटार्ड हुई हो, फिर बड़ी हो, जो भी जो एरिया आता है बीच के अंडर का, ये जो भी एरिया होता है वह एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है। dv/dt इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया देखेंगे तो वह आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी u। एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ बॉडी को ऊपर फेंका गया है, जो मैक्सिमम हाइट रीच करती है इन 6 seconds। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1st second and 7th second। यानी देखो आप क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो, आप दो तरीके से, मैं आपको ट्विस्ट देखना बताता हूँ, सॉल्व तो आप कर ही दोगे। 6 seconds में बॉडी ऊपर हाइट पूरी अचीव कर ले रही है, यानी आप इससे क्या निकाल सकते हो, अगर यू वेलोसिटी से कोई चीज़ फेंकी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट आपको पता है, और आपको यह भी पता है कि ग्रेविटी जनरली हम 10 लेके चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल कैलकुलेशन के लिए, तो 10 × 60 करोगे तो 60 meter, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला जो आपका है फर्स्ट, उससे आपकी पता चल जाएगी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी यू की जगह आप 60 रख के भी फिर आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 1st second पे निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और 7 second पे निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। अब ये 7 second वाला ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि 6 second में तो पूरा ऊपर चली जा रही है बॉडी, तो 7th second पे वापस नीचे आ रही होगी, तो यानी 7th second पे जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, 6 second तो अपनी फाइनल वेलोसिटी पे आ गई है, फिर 7th second पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा वह इतना ही ट्रैवल करा होगा।
तो यह भी ध्यान रखना कि सातवें सेकंड का डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल करा होगा। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और बहुत अच्छा फॉर्मूला जो मैं पहले भी एक बार इसी क्वेश्चन में आया है कि कभी भी किसी भी nth सेकंड पे डिस्टेंस निकालना हो या आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ ताकि आप हमेशा की तरह इसको सॉल्व कर लें। एक सेकेंड, हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड कभी भी होता है तो वह आपका होता है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाय 2 यानी ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऊपर के डायरेक्शन में होगा तो माइनस g आ जाएगा, अगर नीचे के डायरेक्शन में है तो प्लस g आ जाएगा, ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब nth इसमें आपका सेकंड है, जिस भी सेकंड में आप देखोगे तो वो n आपका हो जाएगा। 7 सेकंड डालोगे या फर्स्ट सेकंड डालोगे, इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को आराम से इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम इंटरवल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको स्पीड दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया हुआ है, इससे आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट लीनियर मोशन की रूल लगा के जैसे ही एक्सेलरेशन पता चल जाएगा डिस्टेंस निकालना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, सेकंड लीनियर मोशन का जो लॉ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आप उससे कैलकुलेट करके इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। याद रखने वाली बात यह है, यूनिट यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में दिया है, तो इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद डिस्कस करेंगे। 15th क्वेश्चन। अ बॉल इज मूविंग ऑन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। If tangential acceleration at any instant is 10 meter per second square and the net acceleration makes an angle 30 degree with the centripetal acceleration, then the instantaneous speed is। आपको मैंने बताया था कि centripetal acceleration जो होता है उसका formula होता है v square by r। अब यहाँ पर आपको tangential acceleration given है, at आपको given है। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है कि जो आपका नेट एक्सेलरेशन हो रहा है वह 30 डिग्री बना रहा है विद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से। कभी भी आप सर्कुलर बॉडी को अगर देखेंगे तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर बता देता हूँ। जब भी सर्कुलर मोशन आपका होगा, फॉर एग्जांपल ये है आपका सर्कुलर मोशन, ये है रेडियस, ये है सेंटर, कोई बॉडी अगर किसी इस डायरेक्शन में जा रही है हर एंगल में, तो जो ये एंगल बनाती है सेंटर के साथ ये होता है थीटा, आपका थीटा एंगल होता है। इसको थोड़ा और क्लियर आपको बता देते हैं। ये जो एंगल होगा आपका ये होगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू टेन थीटा क्या हो जाएगा, जो इसका एक्सेलरेशन अलोंग ये है, ये है रेडियस, ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, और यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर को होगा ac। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू at बाय ac। अब बाकी सारी चीज़ें पता है, ac आपका v स्क्वायर बाय r होता है, यह भी पता है, तो आप इसको आराम से यूज़ करके यह पूरे फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन हो गया। तो यह हमारा 15th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पूरे 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देना, ताकि कोई भी स्टूडेंट इन फ्यूचर आ रहा है तो वो आपको देखकर आपका आंसर भी चेक कर लेगा, साथ ही साथ उसको एक हेल्प मिल जाएगी कि क्या ऑप्शंस हैं किस क्वेश्चन के। आपसे दो ही क्वेश्चन के ऑप्शन हुए हैं, दो ही क्वेश्चन के आंसर टाइप कर देना, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी और उसके लिए बेटर रहेगा। रही बात इस चैनल पे आपको ऐसी और सीरीज़ को अब हमने स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे आपको सारे फिज़िक्स के पहले पूरे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, साथ ही साथ जो कोई भी नई जॉब आई है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।